सब रिलीजन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, तो हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हम चाहे जैसे रहें। मुझको ऐसा लगता है कि ये जब से ये गवर्नमेंट आई है इधर ये हो रहा है, वरना इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहनकर आने पर काफ़ी बवाल हुआ है। कुछ छात्रों ने भगवा गमछा डाल के जय श्री राम के नारे भी लगाए, जिसके बाद जो लड़की थी उसने अल्लाह अकबर के भी नारे लगाए। यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, हम जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखती हैं आप कर्नाटक की घटना को। बिल्कुल गलत किया है जो भी जिसने भी किया है, कॉलेज भी है गवर्नमेंट कॉलेज है, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। संविधान के ख़िलाफ़ काम कर ही नहीं सकते आप, इंडिया में हैं, इंडिया एक सेकुलर देश है। यहाँ पर नकाब पहनने पर, हर ड्रेस पहनने पर आज़ादी है, आप जिस भी मजहब से फॉलो कर रहे हैं, जिस मजहब को फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। सेकुलर देश में आप ऐसा कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। वहाँ पर लड़कियों ने एहतजाज किया, बिल्कुल सही किया, हम उसके बिल्कुल सपोर्ट करते हैं उसका, और ये जुर्म करने वाले नहीं हुआ है, लेकिन हमारी कितनी बहनों के साथ हो रहा है, तो बिल्कुल हमारी बहन है वो, उनके साथ हो रहा है, हमें भी उतनी ही तकलीफ़ हो रही है। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मेरे ही साथ होगा तो हमें तकलीफ़ होगी, वो भी मेरी अपनी बहन है। बिल्कुल आज़ादी मिलनी चाहिए लड़कियों को कि वो अपना काम करे, पढ़ाई करे, सब बराबर हैं, सारी लड़कियाँ, हिंदुस्तान की सारी बहनें, सारी बेटियाँ बराबर हैं, सभी को हुक्म होना चाहिए। कोर्ट से बस यही है कि आप इंसाफ का फैसला करें और हमें इजाज़त दें, हम यहाँ सेकुलर देश में रहते हैं, हमें बिल्कुल आज़ादी दें हर चीज़ की, हम आज़ाद रहें। कैसे लग रहा है आपको कि नकाब के ऊपर जो दूसरी सांप्रदायिक ताकतें हैं वो हमला कर रही हैं, कभी खाने को लेके, कभी पहनावे को लेके, कभी अजान को लेके, कब से ऐसा आपको लगने लगा? ये 5-6 सालों से हो रहा है, 14 के बाद से होने लगा ये इस तरह की परेशानी, लेकिन हम लोग रुकेंगे नहीं इंशाल्लाह, और अल्लाह में जो हम लोग सच्चाई पे हैं, हक पे हैं, तो ज़रूर हम लोगों को कामयाबी मिलेगी। यहाँ पे जो लोग हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पहनावे की, खाने की, किसी भी धर्म की पालन करने की आज़ादी है हमारे संविधान के अनुसार, लेकिन अब जिस तरीके से जो लोग हैं इसको मुद्दे को कैसे देखते हैं ये हम जानने की कोशिश करेंगे। कर्नाटक में कॉलेज जाने पर जो हिजाब पहनने पे जो बवाल हुआ है उसके तहत हम अमीनाबाद आए हैं और एक वकील हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे क्या संवैधानिक तौर पर क्या जो ड्रेस कोड है उस पे कुछ पाबंदियां हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं, मेरा नाम अधिवक्ता रचना रिया मिश्रा है, मैं राष्ट्रीय सचिव हूं अखिल भारतीय संयुक्त अर्था मंच से, और मैं प्रदेश सचिव हूं प्रसपा वाहिनी से। सबसे पहली बात तो ये कि हमारे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा बना है जहाँ पर हम किसी ड्रेस कोड को, अगर ड्रेस कोड लागू है तो उसको हमको पहनने का अधिकार है, क्योंकि ये हमारी एक तरह से स्वतंत्रता भी है। दूसरी बात, यहाँ पर अगर हम हिजाब या मान लीजिए कोई भी इंसान अपना पर्टिकुलर कोई ड्रेस पहन के जाना चाहता है, तो कल का हम वहाँ नमाज़ पढ़ना चाहते हैं, कोई कहे कि नहीं मुझे भगवान की पूजा करनी है, स्कूल की बात कर रही हूँ, तो ऐसा ये पॉसिबल नहीं है कि स्कूलों में इस तरीके की व्यवस्था हो, क्योंकि अगर ड्रेस कोड है तो वो बिल्कुल सही है, वहाँ पे हिजाब या साड़ी या धोती कुर्ता पहन जाने का कोई ऐसा प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं। एक ड्रेस कोड होता है, ड्रेस कोड ये साइन है स्कूल का, स्कूल के प्रॉपर नियम का पालन हम करें, ये इसलिए बनाया जाता है। हम कुछ भी पहन के अगर चले जाएंगे स्कूलों में तो ये गलत है, क्योंकि कॉलेज में तो हम कुछ भी पहन के जा सकते हैं, लेकिन स्कूल का एक नियम होता है, हमें उस नियम का जो है पालन करना चाहिए। ये एक तरीके से जो कर्नाटक में महिलाओं ने किया, लड़कियों ने किया, वो सरासर गलत है, निंदनीय है, ये भारत के संविधान के खिलाफ भी है और ये नहीं होना चाहिए। इस तरीके से हर कोई अपना उसके अलग, देखिए जब विरोध हो रहा था तो लड़कों ने भी भगवा गमछा डाला, लड़कियों ने भी भगवा गमछा डाला, क्या जो ये विरोध करने का तरीका था उसको कैसे देखती हैं? देखिए अगर मैं ये बात कहूँ तो एक स्टूडेंट को ऐसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेज में पढ़ाई का ही काम होता है, ना कि किसी धर्म का प्रचार प्रसार किया जाता है। तो इस तरीके से दोनों ही धर्मों की बात करूंगी तो सरासर गलत है, ये स्टूडेंट को किसी भी छात्र को शोभा नहीं देता है, और इसका बढ़ावा ना हमारी जुडिशरी देती है ना हमारा संविधान देता है। तो इसमें किसकी गलती है? इसमें गलती मैं ये नहीं कहूँगी कि किसकी गलती है, मगर मैं ये जरूर कहूँगी कि उस मानसिकता की गलती है, जिस मानसिकता को हिजाब में भी देखा जाता है या जो है राम या अल्लाह में जिस तरीके से लिया जाता है वो गलत केवल इंसान की मानसिकता है। और मुझे लगता है अगर उस लड़की ने हिजाब पहन करके और अल्लाह अकबर का नारा लगाया और उस पर हमारे समाज के बुद्धिजीवी लोग सही ठहरा रहे हैं, वो एक तरीके पहले जय श्री राम के भी नारे लगे थे, उसके बाद उसने अल्लाह अकबर का नारा, मैं बिल्कुल इस पे भी मैं बात करूंगी, अगर जय श्री राम के नारे या अल्लाह अकबर के नारे स्कूल कॉलेजेस में लगते हैं जहां पर शिक्षा का प्रसार होता है, जहां पे हमें एक जो है एक माध्यम मिलता है जिंदगी में आगे बढ़ने का, वहां पर अगर ऐसी चीजें हो रही हैं जहां पर हर एक धर्म को हाईलाइट किया जा रहा है वो गलत है। खान पान का और पहनावा का हमारे संविधान में फ्रीडम है,
लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं कि स्कूल कॉलेज के क्लास के समय में हम खाने लगे अगर टीचर पढ़ा रहे हैं। मैं एक बात कर रही हूँ, और अगर टॉपिक ही आपने चेंज कर दिया, मैंने आम जनता की बात करी, स्कूल और कॉलेज के ऊपर गया ही नहीं जी। अगर आम जनता की बात कर रहे हैं तो हमारे भारत का संविधान भी अलाउ नहीं करता है, और दूसरी बात मैं नहीं अलाउ करता, ये नहीं अलाउ करता कि आप ये ना पहने वो ना खाए। हमारे भारत का संविधान अलाउ करता है कि हम जो हमें पहनना है वो पहन सकते हैं, जो हमें खाना वो खा सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच की भी अपनी एक मर्यादा है संविधान में, इसका भी एक एक्सप्लेन स्पीच की आई नहीं थी। भाई साहब आप भी बहुत देर से सुन रहे हैं हमारी जो चर्चा है, किस तरीके से देखते हैं जो कर्नाटक का मुद्दा हाइप हो रहा है? कर्नाटक में जो कुछ भी हुआ है ये बहुत गलत हुआ। इस तरीके से औरत की इज्जत की भी कोई वैल्यू है? अगर वो अपने आप को ढक रही है तो कोई गलत नहीं है, खुले में ना टहलाया जाए। कभी ऐसा हुआ है कि आप हिजाब पहन के जा रही हो, आपके ऊपर किसी ने कमेंट करो? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम कभी हिजाब पहन के गए हो मुझे कमेंट किया हो, और बल्कि अगर मैं हिजाब पहन के जाती हूँ तो मुझे बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है, उस नज़र से देखा जाता है कि ये हिजाब वाली लड़की जा रही है, तो इससे ना बोलें। कर्नाटक के एक कॉलेज में हिजाब पहन के जाने पर उसका विरोध हुआ, उसके बाद कई छात्रों ने भगवा गमछे डालने के बाद जय श्री राम के नारे लगाए, और उस लड़की ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए। यहाँ पे भी कुछ नकाब वाली महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे, किस तरीके से देखती हैं उस वाक्य को आप? बिल्कुल वो सही किया उन्होंने कि हिजाब पे प्रोटेस्ट किया, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ फ्रीडम हमको मिलनी चाहिए हिजाब करने के लिए, क्योंकि ये सेक्युलर कंट्री है, हमारी सेक्युलर कंट्री है, तो इसमें हर टाइप का हमको राइट मिलना चाहिए, राइट टू फ्रीडम, हर चीज़ के लिए राइट है, तो फ्रीडम इसके लिए हमको मिलनी चाहिए। बिल्कुल ये बहुत गलत हो रहा है जैसे प्रोटेस्ट आप लोग कर रहे हैं, बिल्कुल करना चाहिए, सारे मुस्लिम महिलाओं को आगे आके ये प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा ये हमारा हक है, और इंडिया में रहकर हम इंडिया के हैं, तो हम मुझे ज़रूरी है ऐसा ये सब करना। इक्वालिटीज़ ऑल्सो वी वॉन्ट्स, और हिजाब ऐसा कहते हैं कि हिजाब हम लोग क्या कर लेंगे हिजाब लगा के, एज इट इज़ दिखेंगे और इक्वल दिखेंगे ऐसे बिना हिजाब के, तो हम कहते हैं कि हम लोग फ़ोन के लिए कवर यूज़ करते हैं, क्यों करते हैं? उसकी सिक्योरिटी के लिए करते हैं ना, तो हम भी अपनी सिक्योरिटी के लिए हिजाब यूज़ करते हैं, दैट्स वाई दैट इज़ नॉट फेक और समथिंग एल्स। तो स्कूल जाती होंगी आप भी, कॉलेज में जाती होंगी, तो क्या कभी आपके ऊपर ऐसे कमेंट हुए हैं हिजाब पहन के जाते? हाँ बिल्कुल कमेंट हुए हैं, इवन कि मेरी सिस्टर है क्लास 11th में, ये सिस्टर है मेरी और ये क्लास 11th में, तो ये जब स्कूल में गई तो इन्हें बिल्कुल मना कर दिया गया कि आप हिजाब लगा के नहीं आ सकती, बिल्कुल बैन था। हालांकि अभी ये मुझको ऐसा लगता है कि ये जब से ये गवर्नमेंट आई है इधर ये हो रहा है, वरना इससे पहले ऐसा कुछ नहीं था, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें थी, इवन सब लगा के जाते थे, और मेरी सिस्टर 11th में जब अभी गई तो उसको बिल्कुल मना कर दिया गया कि नहीं आप हिजाब लगा के नहीं आ सकते। आप कौन से कॉलेज से थी जहाँ पे आपको मना करा गया? क्लास बनारस, वी आर फ्रॉम बनारस, तो वहाँ पे मना करा गया कि आप हिजाब लगा के? बिल्कुल, उन्होंने कहा कि नहीं हम एक फैमिली की तरह है, स्कूल्स में अगर हैं तो हम एक फैमिली की तरह हैं, तो हम हिजाब नहीं कर सकते वहाँ, और इक्वालिटीज़ होनी चाहिए वहाँ, रिलीजन फॉर्म नहीं करें आप। क्या करा फिर आपका, क्या रिएक्शन था आपका, क्या रिएक्शन था? जस्ट मैंने यही चीज़ है, यही एग्जाम्पल मैंने दिया कि दिस इज़ अ सिक्योरिटी ऑल्सो। मेरे धर्म में ऐसा तो हम तो फॉलो करेंगे ना, आप जब रिलीजन यहाँ पर आप मिक्सअप रिलीजन है, यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी रहते हैं, तो हमको फ्रीडम मिलनी चाहिए कि हम चाहे जैसे रहें। हम तो ये नहीं कहते कि आपके हिंदू औरतें जो हैं घूंघट डाल के चलती हैं, तो हम लोग तो ऐसा नहीं कहते। पर्दा सिस्टम, इट इज़ नॉट इक्वल टू द पर्दा सिस्टम। पर्दा सिस्टम में क्या था कि वो औरतें इसलिए पर्दा करती थी क्योंकि उस टाइम में उनके साथ बैड बिहेव्स होते थे, उन्हें हरस किया जाता था, तो वो पर्दा करती थी ताकि वो बची रहे, और हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे इस्लाम में है। फॉलो करेंगे इस्लाम ना। यहाँ पे जो महिलाएं हैं अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं, कह रही हैं जिस तरीके का ये वाकया पेश आया है वो कहीं ना कहीं काफ़ी चिंताजनक है, और ऐसे अगर वाकया और पेश आएंगे तो हालात बद से बदतर होते जाएंगे।